एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इन मिनट्स विद दीपाली मेहरा। एज वी नो सीबीएसई बोर्ड अराउंड द कॉर्नर। हम सब जानते हैं कि आपकी बोर्ड टर्म वन एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है अपने एग्जाम्स में। सो मिस्टेक नंबर वन, डोंट फिल ओएमआर शीट विद जेल पेन। आपकी जो ओएमआर शीट होगी आप उसको जेल पेन से फिल ना करें, क्योंकि जो जेल पेन की इंक होती है वो स्प्रेड हो जाती है। सपोज आपने एक सर्कल को फिल किया है जेल पेन से, मिस्टेकली वो जेल पेन की जो इंक है वो अगर स्प्रेड हो गई तो आपके दूसरे सर्कल पे भी इंक आ जाएगी, तो सीबीएसई आपके इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही सर्कल आपके इंक से फिल होंगे। मिस्टेक नंबर सेकेंड, यू स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर नॉट रीडिंग प्रॉपरली। आप स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, आपने क्वेश्चन रीड किया और अगर उसका फर्स्ट ऑप्शन उससे रिलेटेबल लगा और आपने टिक कर दिया, देन आप मूव कर गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन को रीड करना, उसके सारे ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ऑप्शन सी हो उससे वो क्लोज रिलेटेबल हो, है ना। तो इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है, देन अपने आंसर को टेक करना है और उसके बाद मूव करना है आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टेक नंबर थर्ड, नॉट यूजिंग प्रॉपर टाइम, दैट इज़ अ 20 मिनट। वी नो दैट कि सीबीएसई ने पहले आपको 15 मिनट्स दिया करती थी आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, अब सीबीएसई ने उस टाइम को एक्सटेंड करके 20 मिनट कर दिया है, है ना। इट मीन्स आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, अगर आप उस 20 मिनट का ढंग से यूटिलाइज़ करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन जिनके ऑप्शंस देखते ही आप टिक कर सकते हैं कि ये इसका आंसर है, तो आपने उन क्वेश्चन को उन 20 मिनट्स में कर लिया। अब जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम चाहिए होगा, तो वो टाइम आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो आपके इजी क्वेश्चन थे वो आपके 20 मिनट में सॉल्व हो गए और बाकी का जो टाइम था उसमें आप वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ढंग से अपने टाइम को यूज़ करेंगे तो आपका एग्ज़ाम और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ होगा। मिस्टेक नंबर फोर, यू नॉट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ आस्क क्वेश्चन। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यही मिस्टेक आप बहुत ज़्यादा करते थे जब आपका एक सब्जेक्टिव पैटर्न था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, आप आंसर कर क्या रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे और सीबीएसई आपके मार्क्स को डिटेक्ट कर देगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। मिस्टेक नंबर फिफ्थ, डोंट अटेम्प्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट। आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट ना करें, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और बिल्कुल भी आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं, जो इजी क्वेश्चन हैं, आप उसमें भी डिमोटिवेट रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो इजी क्वेश्चंस, आप उनको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप मूव करिए आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर।